अजमेर जिला पुलिस ने गुरुवार को हाईटेक चाइनीज सॉफ्टवेयर डिवाइस से 5 मिनट में होंडा की क्रेटा गाड़ियों की चोरी करने के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से पुलिस ने 11 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। पुलिस ने बरामद की गई कारों की कीमत 1.5 करोड़ से रुपए अधिक बताई गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 100 से ज्यादा वारदातें करना स्वीकार किया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। आरोपियों की पहली पसंद क्रेटा गाड़ी है, जिन्हें चोरी करने के बाद वह तस्करों को बेचा करते थे। गुरुवार को अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। इस मौके पर अजमेर एसपी चूनाराम जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी और आदर्श नगर थानाधिकारी सुगन सिंह भी मौजूद थे। इस खुलासे के बाद पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों से कई तस्कर गिरोह के संबंध होने के साथ ही अन्य वारदातों का खुलासा भी हो सकता है। रेंज के आईजी रुपेंद्र सिंह ने आदर्श नगर थाने में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जिले के आदर्श नगर, अलवर गेट, केकड़ी, ब्यावर, विजयनगर, किशनगढ़ सहित अन्य जिलों में लग्जरी वाहनों की चोरी की वारदातों के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया। वही वारदात के आधार पर पूर्व में चालनशुदा आरोपियों का डेटाबेस तैयार कर उनसे पूछताछ की गई। टीम द्वारा अलग अलग जगह हुई वारदातों के घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से निरीक्षण कर घटना में प्रयुक्त कर वाहनों का रूट विश्लेषण किया गया और मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से सूचना एकत्रित कर संदिग्ध आरोपियों के बारे में जानकारी हासिल की गई, जिसके बाद स्पेशल टीम ने लग्जरी गाड़ियों की चोरियां करने वाले संदिग्ध सरगना सवाई माधोपुर निवासी कुंजीलाल गुर्जर, दौसा निवासी विनोद कुमार मीणा, जोधपुर निवासी विमल कुमार को गिरफ्तार किया, जिनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर इन वारदातों का खुलासा हुआ। महेश पाटिया, थोड़ा सा भाई, मैं कैसे हूँ, मेरे पीछे अरे तो मेरे को क्यों दोबारा मेरा क्यों क्लेम करा हो गया अड़ियाओ आपकी फ्रेम आ रही है भैया, आपका फोन आ रहा है भैया, थोड़े पीछे कर लो ना, आपने स्टैंड लगा रखा है ठीक। नीचे से कुंजीलाल का ये अपना पुलिस सामने आ चुका है। पुलिस ने इस पूरी वारदात को भाई आदमी जगह खुलासा करा है, सबसे ज्यादा वारदातें अंजाम दी है। देखिए जो टेक्निकल चीज को ये लेकर इस्तेमाल करते थे, जिससे इसका लॉक तोड़ा जाता था, वह भी सामने है। लगभग 1 से ज़्यादा मिनट तो लगा ही नहीं गाड़ी के अंदर एंटर करने में, लॉक गाड़ी के अंदर एंटर करने में। पीछे का दरवाज़ा का जो कांच है वो पहले अपने जो इनका हथियार है, जो औजार है, उससे तोड़ा गया और उसके बाद गाड़ी में एंटर किया गया। देखिए खुद का पिन डालकर जो है गाड़ी का सॉफ्टवेयर इन्होंने खुद के नाम कर लिया। मतलब जो लग्जरी गाड़ियों में सॉफ्टवेयर जो यूज करे जाते हैं, उन सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाए। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इसी प्रकार से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया करते थे।
चोरी करता था वो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आपने चोर तो देखा होंगे लेकिन चोर को कभी चोरी करते हुए सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए अब ये जो कुंजीलाल है किस प्रकार से जो चोरी की वारदात इतनी सारी लग्जरी गाड़ियों की है वो हम आपको एक बार लाइव दिखा रहे हैं। देखिए कांच तोड़ दिया है कुंजीलाल ने। इसी प्रकार से जो और ज्यादा गाड़ियां जो भी इन्होंने चोरी की है इसी प्रकार से ये लोग जो है अंदर चल जाए अंदर कैसे होगा। अब आगे का जो प्रोसेस होता है कुंजीलाल खुद करके दिखा रहे हैं। देखिए आगे इसका जो केस होता है वो चलो खुला है और सब जो सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ में लेते हैं। जी बोल सर, बड़ी वारदात का खुलासा किया जा रहा है, किस तरह की वारदात है, कौन इसमें शामिल है और क्या खुलासा कर रहे हैं? अजमेर पुलिस द्वारा एक गैंग जो व्हीकल चोरी करते हैं उनको पकड़ा गया है, जिसमें के बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अभी हमारी गिरफ्त में 4 मेंबर्स आए हैं उस गैंग के और अभी तफ्तीश चल रही है, उसमें और आने की संभावना है। जो सबसे हैरानी वाली बात आई है कि ये गैंग्स हैं, ये ब्रांड वाइज गाड़ियां चोरी करते हैं। जैसे ये जो प्रेजेंट गैंग हाथ में आई है ये हुंडई की गाड़ी चोरी करते हैं, और इसमें क्योंकि गाड़ियां जो है वो उनका जो लॉक्स हैं वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड लॉक्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन उस गाड़ी में लगे चिप में होती है, तो ये उस चिप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, उसका एक नया चिप बना के फिर उस गाड़ी को ये ब्रेक करके ले जाते हैं। और कुछ गाड़ियां जो है उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि वो फर्दर क्राइम में NDPS में या किसी और वारदात में यूज़ हुई हैं। कुछ गाड़ियां ये इनका एक तरह का अपना स्टोर है जिसमें ये गाड़ियां रख लेते हैं चोरी करके और फिर उनको फर्दर चाहे तो यूज़ करते हैं या बेचते हैं। सो अभी प्रारंभिक पूछताछ में इतनी बातें हमारे सामने आई हैं कि जो वर्तमान गैंग हुंडई गाड़ी को कैसे तोड़ता है इसका पूरा एक डेमो करके हमने इनसे देखा है, और जिसका खुलासा भी हम आपके चैनल के मार्फत करके पब्लिक को अवेयर करना चाहेंगे कि अपनी वाहन की कैसे सुरक्षा करें। और उसमें सबसे ज़रूरी बात है कि हम लोग अपनी गाड़ी को नई गाड़ी को लेके या कैसे भी उसको पार्किंग करके हम या CCTV लगे को हम देख के आश्वस्त हो जाते हैं, उतना ही सफिशिएंट नहीं है जब तक हम चोर की तरीका को नहीं समझे। रादर इसमें जो कार कंपनीज हैं वो भी सोच सकती हैं कि फर्दर और सिक्योरिटी मेजर्स कौन से लगाए जा सकते हैं जिससे कि उनका व्हीकल है जो वो सुरक्षित रहेगा। तो इसके जो बाकी स्टैंडर्ड तरीके हैं, नंबर प्लेट चेंज कर देनी, उसके चैसिस और इंजन के नंबर को टैम्परिंग कर देना या उड़ा देना, तो वो स्टैंडर्ड पुराने तरीके हैं। जो नया तरीका है जो वो ये हमारी जानकारी में आया है और जिसके लिए अजमेर जिला पुलिस ने बड़ी मेहनत करी है, इनकी टीम जो है उन्होंने अच्छा टेक्निकल काम भी किया है और जो स्टैंडर्ड पुलिसिंग है उसको भी इस्तेमाल में ला के ये वारदात खोली है। अभी तक इनसे हुई पूछताछ में करीब 40 गाड़ियों की इंफॉर्मेशन मिली है, जिसमें 11 गाड़ियां इनके कब्जे से जब्त की गई हैं, 11 गाड़ियां और लोकेट कर ली गई हैं जो अन्य मुकदमों में थाने पे हैं। बाकी गाड़ियों का खुलासा आने वाले दिनों में तफ्तीश में होगा। इसमें 4 व्यक्ति जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं उनमें कुंजीलाल गुजर है जो कि जिला सवाईमाधोपुर का रहने वाला है, विनोद कुमार मीणा है जो जिला दौसा का रहने वाला है। इन दोनों को वर्ष 2008 में भी अजमेर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और राजस्थान में जगह जगह पर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इनके दूसरे साथी हैं विमल कुमार जो जोधपुर का रहने वाला है और राम निवास बिश्नोई है, ये भी जोधपुर का रहने वाला है। ये 4 लोग जो हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं और आने वाले दिनों में इनसे और तहकीकात करके जो तथ्य सामने आएंगे आपको बताएंगे। कितनी वारदात सर इन्होंने कबूली है और ये गाड़ियां जो आप बता रहे हैं केवल लग्जरी व्हीलर फोर व्हीलर और भी कोई चिप चेंज? जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये क्योंकि ये चिप्स
उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको चुरा के ही काम होता है। तो ये ब्रांड वाइज गाड़ियां चुराते हैं, उसमें ये एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें के ब्रांड वाइज, जैसे जो हमारे हाथ में अभी केस आया है इसमें हुंडई की गाड़ियां जो हैं उनका सॉफ्टवेयर, तो इसलिए हुंडई की गाड़ियां ही ये चोरी करते, ज़्यादातर क्रेटा गाड़ी है। क्रेटा गाड़ी के लिए मैं और भी आपको एक चीज़ बतानी चाहूँगा, क्रेटा गाड़ी दूसरी गाड़ी से स्पेशियस गाड़ी है, ज़्यादा सामान उसमें भर सकते हैं, ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं और चलने में बहुत स्पीड पे चलती है। तो ये जो तस्कर हैं इनकी पसंदीदा गाड़ी बन सकती है या बनती है। सो क्रेटा गाड़ी के मालिक भी ज़रूर सावधान रहें, और रादर हम ये कहेंगे कि जो एक्स्ट्रा फीचर्स है सेफ्टी के, जैसे बाहर व्हील को लॉक लगा देना, अंदर गियर को लॉक लगा देना, तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। सो जैसे क्योंकि चिप कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है तो इसलिए अगर आपने रिमोट और अलार्म लगाया कुछ लगाया तो वो सब निष्क्रिय हो जाएगा, तो उसकी सूचना नहीं आएगी। अगर मौके पे सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है तो वहाँ से दूसरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल सकती है, लेकिन एज ए व्हीकल ओनर जो हमारी कार है उसकी सेफ्टी कैसे करें, उसमें ये चीज़ ज़रूर हेल्प कर सकती है। जो पुरानी तरह के लॉक्स होते हैं जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, अगर वो लगाए जाएं तो शायद एक्स्ट्रा सेफ्टी मिले। इसके लिए हम हुंडई कंपनी को भी इस इन्वेस्टिगेशन में हम इन्वॉल्व करेंगे ताकि उनकी हेल्प भी ली जा सके और उनको इनका तरीका वारदात बताया भी जा सके कि इस तरह ये वारदात करते हैं। इसमें सर दो वारदातें आप लिख रहे हैं, खुलासा दो मामलों का खुलासा है 40, इसमें 100 लिखा है। अच्छा हाँ, टोटल वारदात है, यस। सारी गाड़ियाँ हुंडई की हैं और भी कोई गाड़ियाँ इससे पहले भी इन्होंने की है? जो इससे पहले टू व्हीलर और फोर व्हीलर जो 2008 के अंदर भी ये इनसे बरामद हुए थे, और इसके अलावा भी काफ़ी संख्या के अंदर इन्होंने अलग अलग वारदातें, अब इन्होंने इतनी ज़्यादा वारदातें कर रखी है कि इनको खुद को भी नहीं ध्यान में है कि किस जगह से इन्होंने कितनी वारदातें की है। सर ये कैसे डिटेक्ट हुआ, क्या क्राइम रिकॉर्ड से इनको उठा के पड़ताल की या पुलिस को इस तरह का केस सामने? नहीं, पुलिस के पास अपना सूचना तंत्र होता है जिससे कार चोर हाथ में आए और इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ, और अभी और खुलासे होने बाकी हैं, ठीक है। और ये माना जाता है क्योंकि ये कार चोर जो वाहन चोर हैं, तो क्योंकि 2008 के जो केसेस हैं इन पे हैं और जो कि 14-15 साल पुरानी बातें हैं, तो डेफिनेटली ये रूटीन वाहन चोर चोरी से शुरू किया होगा और आगे आगे प्रोग्रेस करते गए, और अब ये जो चिप में सॉफ्टवेयर और अपना टूल यूज़ करते हैं उसका काम होता है गाड़ी के चिप की इन्फॉर्मेशन रीड कर लेना। जैसे हम कोई चीज़ चुराते हैं तो डेटा भी चुराया जाता है, तो उसको चुरा के उसके साथ फिर नई चाबी या की बना के उसमें वो चिप लगा के जिससे चोरी की इन्फॉर्मेशन डालिए नई चाबी बन जाती है। सर ये चार ही हैं आरोपी या इसमें कोई टेक्निकल साउंड आदमी भी जुड़ा हुआ है या इनमें से ही कोई टेक्निकल? नहीं, ये चारों में ही टेक्निकल साउंड आदमी हमारे कब्जे में है जी। हाँ, इनसे हमने टेक्निकल गैजेट्स भी बरामद किए हैं और ये चीज़ जो है इस वारदात का खुलासा करती है।